तत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि चौथी बार मुझे टिकट दिया गया है, इसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, वहीं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ और जौरा विधानसभा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस जनता के कारण ही मुझे चौथी बार टिकट दिया गया है। जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, मैं आज उनका चरण छूकर आशीर्वाद पाना चाहता हूँ और अपने से छोटे को बहुत बहुत स्नेह व्यक्त करता हूँ। वहीं परिणामों को लेकर कहा कि मैं समझना चाहता हूँ कि प्रत्याशी भी वही हैं, जनता भी वही है और परिणाम भी वही होंगे। वहीं मुद्दों के बारे में कहा कि बीजेपी के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच आऊँगा, जौरा के विकास को लेकर जाऊँगा, जो बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर जनता के बीच लेकर जाऊँगा, उनको लेकर जनता के बीच जाऊंगा, वहीं कार्यकर्ताओं के व्यवहार को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। वहीं पांचवी सूची में नाम आने को लेकर कहा कि मैं नहीं मानता कि मेरे टिकट पर बादल छा रहे हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मैं जीता हुआ विधायक था। पहले हम सीट हारे लेकिन मेहनत के बाद इसे जीते। आप पार्टी को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने में कोई शंका नहीं होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौथी बार टिकट दिया है। मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर अपना कैंडिडेट लड़ा रही थी, लेकिन जौरा विधानसभा की जनता ने सबसे पहले मुझे 2013 में अपना आशीर्वाद दिया, फिर 18 में थोड़ी मेरी गलती रही होगी, 18 में थोड़ी जनता की भूल रही होगी, लेकिन 20 में बड़े बहुमत से उन्होंने मुझे, जो मैं 13 में जीता था उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से जनता ने मुझे जिता करके अपना आशीर्वाद दिया। इस बार कितने मुद्दों को लेकर आपका, मेरे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैंने जौरा विधानसभा में चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं का मामला हो, आप देख सकते हैं कि मुरैना ज़िले में जौरा विधानसभा किसी मायने में कम नहीं रही है। हमने अभी 3 साल का टाइम मिला, उसमें कैलारस से सहसराम तक, पहाड़गढ़ से नरार माता हुए जौरा तक 153 करोड़ रुपए की सड़क बनाई है और जितने जहाँ भी पुलों की ज़रूरत थी वहाँ हमने अभी अभी पुल बनवाने के लिए पूरा काम किया है। हमारे पुलों पर काम चल रहा है, चाहे वो कोटशेत्रा का पुल हो, चाहे वो रिजौनी का पुल हो, चाहे वो बगौरा का पुल हो, चाहे वो भर्रा अटार घाट का पुल हो, चाहे वो एरौली का पुल हो, सभी पुलों का भूमि पूजन करके और उन पर काम शुरू हो गया, कुछ पर होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी काम से संतुष्ट है। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हमने तलावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है और खुलवाया है, भर्रा में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है, जौरा में सिविल हॉस्पिटल खुलवाया है, कनार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है, बर्रण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया है, सरसैनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया है। इसलिए विकास के बारे में जनता को मुझसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जनता, मैं समझता हूँ अगर जनता मुझसे नाराज़ होती तो वो अपना सर्वे में अपनी बात कहती, पार्टी कभी भी मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देती। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जौरा की जनता की मांग पर, जौरा की जनता की भावना को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ।